इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में आपने ये लिखना है, इसको छोड़ दें, मेरे साथ साथ लिखें यहाँ पे इस डायग्राम में। आपके पास एक पाइप है, एक पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का ए टू है। लिक्विड एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन है और एग्जिट करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, और पाइप का क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ये कहती है कि वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, जो यहाँ पे वॉल्यूम एंटर हो रहा है और वॉल्यूम जो एग्जिट हो रहा है पर सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम लिखो पहला स्टेप। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम एंटरिंग और वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों में सेम है। ऑब्वियसली पानी गायब थोड़ा ना हो जाएगा, तो बाहर तो निकलेगा ही, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर लो या छोटा कर लो, ये पहला स्टेप तो हमेशा सेम है। अब मैंने आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बताया था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है और वेलोसिटी वी वन है, तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड क्या है, ए वन इंटू वी वन। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता था, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ए वन वी वन, और वॉल्यूम जो बाहर निकल रहा है पर सेकेंड ए टू वी टू। ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन है, और ये मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ऐसे। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ठीक, ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है। ऐसा भी बोल सकते हैं ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, मैं काम करता हूं दोनों को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आया, ये क्या बना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास। तो क्या लिखेंगे, मास एंटरिंग पर सेकेंड एंड मास कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू भी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड या मास फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है, ठीक है यहां तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखा, मैं क्या पी वाई क्यू की बुक देख लेना, किसी की किस्मत तो इतनी बढ़िया, पी वाई क्यू मेंस में वो ये क्वेश्चन दे रहा है, ए वन ले लो वी वन ले लो ए टू दे रहा है और वी टू पूछ रहा है, इससे आसान तो दुनिया का क्वेश्चन को हो ही नहीं सकता, इतने चार पांच क्वेश्चन तो आज जाते हुए भी कर लेंगे हम, लक है, सारे ऐसे नहीं है, एक आध आप ही जाता है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ए वन वी वन ए टू वी टू इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी,